इतना भव्य स्वागत किए उन्होंने, मैं तहे दिल से उन्हें बधाई देती हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिया गया, सब लोग हिंदू मुस्लिम दोनों आए। जैसी भी से तो हम लोग स्वागत किए, हम लोग अनंत मैडम का स्वागत किए हैं। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इफ्तार पार्टी के आयोजन में पहुंची हिना साहब। बपौर गांव में हुआ था आयोजन। पलक आईटीआई कॉलेज में मुन्ना तिवारी के द्वारा दिया गया था इफ्तार पार्टी का आयोजन, जहां पर पहुंची हिना साहब का जोरदार स्वागत। जेसीबी से फूलों की वर्षा से की गई। देख सकते हैं तमाम जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक मौजूद रहे और जोरदार स्वागत किया गया मुन्ना तिवारी के द्वारा। ये कार्यक्रम का आयोजन इफ्तार पार्टी रखा गया था, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब पहुंची और उनका जोरदार स्वागत गांव के लोगों ने किया। यह गांव पपौर में है, जहां पर पलक आईटीआई करके कॉलेज चलता है, जहां पे लोगों को विदेश भेजने का काम किया जाता है, जहां पर मुन्ना तिवारी के द्वारा यह आयोजन रखा गया था इफ्तार पार्टी का, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे और हिना साहब के पहुँचते ही फूलों की वर्षा से उनका जोरदार स्वागत किया गया। हम मुन्ना जी जिस तरह से इंतज़ाम किए हुए थे, इतना भव्य स्वागत किए उन्होंने, मैं तहे दिल से उन्हें बधाई देती हूँ। और इतने बड़े संख्या में जो यहाँ पर पपौर के सभी जनता यहाँ पे पहुँची हुई थी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इतना बड़ा इफ्तार पार्टी हुआ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आकर। और मैं सभी बड़े बुज़ुर्ग और सभी नौजवान, सभी यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, इंसान अकेला कभी नहीं होता है, उसके सोच पे निर्भर करता है कि वो अकेला है या नहीं है। जब मैं इंडिपेंडेंट की बात की थी तो मैं ये अकेला समझ कर नहीं की थी, मैं जानती थी कि पूरे सिवान की जनता मेरे साथ है। जिन्होंने 15 साल नहीं छोड़ा, वो अब क्या छोड़ेंगे। इसीलिए मैं हौसले के साथ मैं इंडिपेंडेंट की तैयारी में लग गई और सभी लोगों का बड़ा अच्छा स्नेह प्रेम मिल रहा है।
और आश्वासन भी मिल रहा है। ये जीत हम नौजवानों के जीत होगी। जिस तरह से नौजवान हर्षोल्लास के साथ मेहनत कर रहे हैं, ये श्रेय उनको जाता है। पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिया गया है। सब लोग हिंदू मुस्लिम दोनों आए हुए हैं और हम लोग मैडम के साथ हैं। सब लोग लगे हुए हैं। पूरा गांव के, पूरा एरिया के लोग मैडम के साथ में, पूरा जिले के लोग के साथ में है। अभी इफ्तार पार्टी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए इफ्तार पार्टी सब लोग का एकता का प्रतीक है। जैसे आगे कम सब लोग मिल के रहे और आगे भी मैडम के साथ, हम तो चाहेंगे कि मैडम फिर जीते और फिर इसी तरह मेरे पास आए और हम लोग स्वागत कर सके। बाकी मैडम से थोड़ा सा जैसी भी से तो हम लोग स्वागत किए, हम लोग अनंत मैडम का स्वागत किए हैं। आगे भी ऐसे अवतार की दावत एक विशेष समुदाय के लोग देते हैं। आपके मुन्ना तिवारी जी, आपके मन में एक देखिए, हम लोग विदेश भेजते हैं और सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, तो हम हमारे भी सबको लेके चलते हैं और सबको लेके हमेशा चलते रहेंगे। सबको लेके चलते हैं, तो विदेश में जॉब दिलाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू को भेज रहा है कि मुस्लिम को भेज रहा है। सब लोग जाते हैं और कमाते हैं। एक तरह से आप भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। जी, समाज सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। आईटीआई में आई हैं और बहुत खुशी हो रहा है हमको। काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ हमारे मुन्ना बाबू के द्वारा मैडम का भव्य स्वागत किया गया। गंगा जमुना का तहजीज इसे ही कहते हैं, जो सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपसी सौहार्द प्रेम के साथ। रोजा का त्यौहार चल रहा है और इफ्तार पार्टी का आयोजन हमारे मुन्ना जी के द्वारा किया गया है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ मैडम का स्वागत मुन्ना जी के द्वारा किया गया और यहाँ के जनता के द्वारा भी किया गया। और यहाँ की जनता का यह उत्साह बता रहा है कि महीना मैडम को जीत का माला यहाँ की जनता पहना चुकी है। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज ने एक मैडम को आशीर्वाद दे चुका है और जो मुख से निकलता है ब्राह्मण के मुख से वह पूरा होकर आता है। मैं 100% यह दावे के साथ कह रही हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने आशीर्वाद दे चुका है और मैडम को केवल जीत का माला पहनाना है। मैडम जब आई है मेरे पास तो हमको बहुत खुशी हुई। इतने लोगों की भीड़ है, हम चाहेंगे कि मैडम जीत के भी हमारे पास आए और हम लोग इससे भी ज्यादा खुशी और इससे भी ज्यादा पब्लिक के साथ यहाँ पे मैडम का स्वागत करें। एकदम हम सही खुशी से संपन्न उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है समर्थन रहेगा लोगों का? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन है उनका, सब कुछ ठीक है। कहाँ पे आई हुई है और किस तरह से स्वागत किया गया है? अरे पूरे पोपोर पंचायत आईटीआई में आई हुई है, इनका भाग स्वागत किया जा रहा है। मुन्ना तिवारी जी, हमारे लोकसभा के वरिष्ठ नेता विनोद तिवारी जी हमारे मंच पर बैठे, हमारे सभी सम्मानित आदरणीय गण, हमारे अली बाबू, हमारे